आज के सत्र में भारतीय बाजारों में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। जहां तक ग्लोबल बाजारों की बात है, नैसडैक इवन अगर हैंगसेंग की बात करें, दोनों ही मार्केट नेगेटिव नोट पे बंद हुए थे, पर ओवरऑल इंडियन मार्केट्स में एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही है। जहां तक लेवल्स की बात है, 11,700 11,750 एक अच्छा बेस इस एक्सपायरी के लिए मार्केट में बन चुका है, और ऊपर में 11,850 से 11,900 ये दो नेक्स्ट टारगेट निफ्टी के लिए माने जा सकते हैं। तो ओवरऑल 11,700 11,900 ये 200 पॉइंट की रेंज मार्केट में नजर आ रही है। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, 31,000 लेवल्स के ऊपर अभी भी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर नेक्स्ट हाफ एन आवर बैंक निफ्टी 31,000 लेवल्स के ऊपर ट्रेड करता है तो हमें लग रहा है 200 से 300 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल एक बुलिश सेंटीमेंट मार्केट में बना हुआ है। जहां तक ब्रॉडर स्पेस की बात है, ब्रॉडर स्पेस में भी आपको एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। जहां तक FII/DII डेटा की बात करें, कल भी FIIs की तरफ से एक अच्छी कैश में बाइंग देखने को मिली थी, इवन DIIs में भी अच्छी खरीदारी पिछले कुछ हफ्तों में देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव मोमेंटम बनना चाहिए। जहां तक एक्सपायरी की बात है, हमें लग रहा है कि एक्सपायरी 11,800 के ऊपर बैंक निफ्टी की होनी चाहिए, और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, 30,900 से 31,000 इसके ऊपर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी होनी चाहिए। तो ओवरऑल बुलिश सेंटीमेंट जारी है। ट्रेडर्स को यही सलाह रहेगी, कोई भी करेक्शंस पे बाई करें और अपना स्टॉप लॉस 11,700 के नीचे डेफिनेटली लगाएं, और ऊपर में 11,850 11,900 के पास अगर आपको मार्केट मिलता है तो वहां पे अपनी पोजीशंस बुक करके मार्केट में एक साइडवेज तौर पर बने रहें।